नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सूरज शर्मा, आपका रीजनिंग गुरु, और स्वागत है आपका वापस से आपकी इस क्लास में, डीजे सर क्लासेज में। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे कैलेंडर। कैलेंडर अपन ने ख़त्म कर लिया था। उसके बाद जो आज पढ़ने वाले हैं, एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी पिछली क्लासेज कैलेंडर की तीनों क्लासेज अभी तक नहीं देखी है तो आप उन तीनों क्लासेज को जाके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ऐप पर पढ़ने वाले मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरी तीनों क्लासेज कैलेंडर की नहीं देखी है तो आप उनको विजिट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तैयारी ग्रुप डी NTPC रेलवे SSC बैंक की, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट 1 पे जाके अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको डीजीसर क्लासेज ऐप पर जाना होगा, वहाँ पर आपको स्टोर के अंदर जाना होगा और आपको सब्सक्राइब करना होगा टेस्ट 1। टेस्ट 1 का जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है और इसका जो प्राइस रखा गया है दोस्तों, 99 रुपीज़ रखा गया है। तो ये थी आपको इन्फॉर्मेशन क्लास के रिगार्डिंग। क्लास आपको कहाँ मिलेगी, कैसे आपको देखना है या कैसे इसको विजिट करना है, इसकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग के अंदर कैलेंडर। कैलेंडर अपना ख़त्म हो चुका है, आज शुरुआत करेंगे एक नए अध्याय की। दोस्तों, नए अध्याय की शुरुआत करने से पहले आपको पता है अपन एक मोटिवेशनल कोड से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोड जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, सफलता जो होती है एक दिन में कभी नहीं मिलती है। सफलता जो होती है एक दिन में कभी नहीं मिलती है, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती ज़रूर है। तो आज के मोटिवेशनल का सार यही है कि आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, एक न एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट और शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के प्यारी सी क्लास की। आप मेरे से कैलेंडर पढ़ चुके थे। कैलेंडर के अंदर मैंने आपको एक शानदार ट्रिक आपको बताई थी और उससे आगे की क्लास अपन करते हैं आज रैंकिंग टेस्ट। कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट यानी कि कर्म निर्धारण, उसका जो सीक्वेंस है वो निर्धारण कैसे होता है। तो चैप्टर का नाम डालेंगे सभी, आज की जो क्लास रहने वाली है क्रम निर्धारण या रैंकिंग टेस्ट। क्रम निर्धारण है या रैंकिंग टेस्ट। दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट इजी चैप्टर है, इजीली समझ में आता है सभी को, तो इसको इजीली अपन समझेंगे कि रैंकिंग टेस्ट होता क्या है। दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक आपके पास एक कतार है या पंक्ति है, उस पंक्ति के अंदर आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी आर टोटल पीपल, या उस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं या कितने लोग उसमें आ सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे कि पहले शुरुआत करते हैं इसका जो शुरुआत करते हैं पहले बेसिक कुछ पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, यदि किसी समान व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता हो, तो किसी पंक्ति के अंदर अगर आपके पास कोई समान व्यक्ति है, उसका अगर आपको बाएं से या दाएं से या ऊपर से या नीचे से अगर स्थान मालूम होता है दोस्तों, तो उस पंक्ति के अंदर, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना। कैसे आप निकालेंगे, चलो इधर देखिएगा। लेट सपोज ये कोई आपकी पंक्ति है,
ए बी ये कतार है, इसमें इधर लेफ्ट से राम जो है 23वें स्थान पर है और इधर राइट से राम जो है 39वें स्थान पर है। लेफ्ट से 23वें स्थान पर है और राइट से 39 स्थान पर है। तो आपसे एग्ज़ाम के अंदर क्या पूछा जाएगा दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो इधर देखिएगा कैसे निकालेंगे इसको। इसको निकालने के लिए अगर आपको टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस वन कर देंगे। दोस्तों ये तरीका रहने वाला है अपने को टोटल विद्यार्थियों की संख्या फाइंड आउट करने के लिए। आप क्या करेंगे, लेफ्ट टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। अभी फिलहाल के लिए देखिएगा कैसे इसको करने वाले हैं अपन। टोटल आपको निकालना है तो लेफ्ट से 23, राइट से कितना है 39 माइनस वन। दोस्तों ये जो माइनस वन किया है, ये माइनस वन क्यों किया है अपन ने, अपन ने माइनस वन इसलिए किया है क्योंकि जो आपको जो जगह दी गई है या स्थान जो दिया गया है एक ही व्यक्ति का दिया गया है। कितने व्यक्ति का दिया गया है, एक ही समान व्यक्ति का दिया गया है। अगर टोटल निकालना है तो पहले तो इन दोनों को जोड़ो, जोड़ लिया, लेकिन काउंटिंग में जो आप माइनस वन कर रहे हैं दोनों सेम बंदा दो बार काउंट हो चुका है, वो लेफ्ट से भी काउंट हो चुका है, वो राइट से भी काउंट हो चुका है, तो उस व्यक्ति को सिंगल बार काउंट करना है अपने को, एक बार ही उसको क्या करना है, काउंट करना है। तो इस वजह से यहाँ पर माइनस वन किया गया है। चलो देखिएगा टोटल कर लो कितना हो जाएगा, 9 में 3 ऐड करेंगे 12, 62 माइनस 1 टोटल कितने आ जाएंगे 61। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी पंक्ति के अंदर कुल विद्यार्थियों की संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगर इसी फॉर्मूले के अंदर या इसी टाइप के अंदर मैं बात करूं लेफ्ट से और राइट से उनका स्थान मालूम करने के लिए आपको बोला जाए, टोटल व्यक्ति देकर अगर आपसे लेफ्ट से या राइट से उनसे स्थान मालूम किया जाए तो कैसे करेंगे। देखो इधर फॉर्मूला वही रहने वाला है अपना, क्या टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ये अपना फॉर्मूला है। इसमें नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है मेरा, मेरा क्वेश्चन है यदि किसी पंक्ति में राम बाएं से 39वें स्थान पर हो उस पंक्ति में बहत्तर विद्यार्थी हो तो राम का दाएं से कौन सा स्थान होगा। बच्चों क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है यदि किसी पंक्ति में राम का बाएं से 39वें स्थान पर हो तथा उस पंक्ति में कुल 72 विद्यार्थी हों तो राम का दाएं से कौन सा स्थान होगा। दोस्तों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, कौन सा वाला, ये वाला। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ देखिएगा
टोटल कितने हैं 72, लेफ्ट से कितना है 39, प्लस आपको कहाँ से निकालना है, राइट से निकालना है और माइनस वन। इसको इधर लेके आएंगे, 73 माइनस के 39 इक्वल्स टू राइट, ये राइट से हो जाएगा अपना, और आंसर क्या हो जाएगा अपना, 13 में से 9 जाएंगे 2, 6 में से 3 जाएंगे 3, यानी राइट से कौन सी पोजीशन पे होगा वो, राइट से वो जो पोजीशन होगी उसकी 32 होगी। कौन सी होगी बच्चों, 32। तो एक ही मेथड से या एक ही फॉर्मूले से अपन तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसका एक और क्वेश्चन कीजिए आप। क्या क्वेश्चन है, इसी के अंदर देखेगा, यदि किसी पंक्ति में रमेश दाएं से 17वें स्थान पर हो, दोस्तों कहाँ है वो, दाएं से 17वें स्थान पर हो, यदि उस पंक्ति में तथा उस पंक्ति में टोटल 81 कितने 81 विद्यार्थी हो, तो दाएं से तो रमेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा। इसी प्रश्न के अंदर मैंने कि रमेश का दाएं से 17वां स्थान में कुल 81 स्थान निकालो, दाएं से नहीं सॉरी बाएं से, क्योंकि दाएं से ही कहां से निकालना है अब आपको, बाएं से। चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे, इसको टोटल की जगह टोटल करेंगे, माइनस इक्वल्स टू लेफ्ट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। इसको इधर लाएंगे, वन को माइनस वन को, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस के वन, माइनस ये क्या हो जाएगा 17 इक्वल्स टू लेफ्ट। ट्वेल्व में से 7 जाएंगे 5, 7 में से 1 जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा दोस्तों, लेफ्ट से उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, 65 पोजीशन होगी। तो एक तरीका है, ये एक टाइप बनता है रैंकिंग टेस्ट के अंदर जिससे अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कि कौन कौन से टाइप और इसमें बन सकते हैं। ये कब निकाल सकते हैं आप टोटल, जब निकालेंगे जब आपको एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान मालूम हो। कब निकालेंगे आप, जब एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान मालूम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 2, स्थान बदलने से संबंधित, स्थान परिवर्तन संबंधी प्रश्न, स्थान परिवर्तन संबंधी प्रश्न। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि दो व्यक्ति होंगे, उनका आपको लेफ्ट से जगह मालूम होगी, राइट से उसकी जगह मालूम होगी, लेकिन अगर वो दोनों अपना स्थान बदल लें तो एक की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं। चलो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा,
यदि विपिन का बाएं से 27वां तथा पवन का दाएं से 35वां स्थान है तो है दोनों अपना स्थान परिवर्तन करके पवन दाएं से 45वें स्थान पर आ जाता है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे दोस्तों? दोस्तों ये प्रश्न है आपका, कैसे करेंगे इसको देखो। जब कभी भी अगर आपसे इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, जब दो अलग अलग व्यक्ति हों और एक व्यक्ति का लेफ्ट से और दूसरे व्यक्ति का राइट से, और दोनों अगर अपनी जगह अदल बदल कर लेते हैं, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों व्यक्ति अपनी जगह अदल बदल कर लेते हैं तो उस पंक्ति के अंदर जो कुल विद्यार्थी निकाले जाते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं वो यहाँ देखिएगा दोस्तों। इसका जो तरीका है वो क्या तरीका है टोटल निकालने का? एक का तो क्या लेंगे, नया स्थान लेंगे, प्लस दूसरे का पुराना स्थान, और क्या कर देंगे, माइनस वन। क्या कर देंगे दोस्तों? माइनस वन। और जब कभी भी आप पेपर के अंदर कंफ्यूज हो जाएं कि प्लस करना है कि माइनस करना है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको केवल माइनस वन तभी करना है जब आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने के लिए बोला जाए, अन्यथा आप उसमें माइनस वन नहीं करेंगे। अगर आपको केवल और केवल टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, माइनस वन करेंगे। एक का नया स्थान देखो, किसका नया स्थान है, पवन दाएं से कौन से स्थान पर आ जाता है, 45वें स्थान पर आ जाता है, और विपिन का बाएं से कौन सा स्थान है, 27वां स्थान। तो इसमें रख दो एक का नया स्थान 45वां प्लस दूसरे का 27 माइनस वन, 45 में 27 ऐड करेंगे 2, 72 माइनस वन कितना आ जाएगा, 71। यानी कि टोटल जो व्यक्ति आएंगे उसके अंदर पंक्ति के अंदर कितने आएंगे, क्लियर। ये था दोस्तों स्थान परिवर्तन करने से संबंधित प्रश्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिएगा, एक प्रश्न और है इसमें, क्वेश्चन नंबर टू। यदि पंक्ति में राधा बाएं से उन्नीसवें स्थान पर तथा शांति दाएं से तैयलीसवें स्थान पर है, जब दोनों अपना स्थान अदल बदल करती है तो राधा बाएं से अब 29वें स्थान पर आ जाती है तो पंक्ति में शांति का दाएं से नया स्थान क्या होगा? क्या पूछा गया है दोस्तों आपसे? आपसे पूछा गया है कि यदि किसी पंक्ति में राधा बाएं से 19वें स्थान पर तथा शांति दाएं से 43वें स्थान पर है, जब दोनों अपना स्थान अदल बदल करते हैं तो राधा बाएं से 29वें स्थान पर आ जाती है तो पंक्ति में शांति का दाएं से नया स्थान क्या होगा? आपसे क्या पूछा गया है? शांति का दाएं से नया स्थान पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, देखिएगा कैसे करेंगे। ये राधा है, 19वें स्थान पर है और ये शांति है, दाएं से 43वें स्थान पर है। जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल करते हैं तो राधा बाएं से 29वें स्थान पर आ जाती है। कितने स्थान पर आ जाती है दोस्तों? 29वें स्थान पर आ जाती है राधा। तो अपने को क्या करना है? इस शांति का दाएं से स्थान पता करना है। देखिएगा इधर दोस्तों, ये जो राधा थी इस 19वें से कितने स्थान पर आई है? 29वें स्थान पर। तो कितने अंकों की बढ़ोतरी करके आई है? ये 10 अंकों की बढ़ोतरी करके आई है। कितने अंकों की बढ़ोतरी? 10 अंकों की बढ़ोतरी करके आई है। और शांति का पता करने के लिए नया स्थान, इसमें भी क्या करना पड़ेगा? प्लस 10 करना पड़ेगा। 10 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो 10 अपने को करना पड़ेगा। तो 43 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 53। कितने? 53। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शांति का नया स्थान दाएं से 53वां होगा। ये अपना क्या है? आंसर है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है आपको? अगर आपसे दो व्यक्तियों का पंक्ति में स्थान देकर अगर स्थान परिवर्तित करने के लिए पूछा जाए, एक का आपको दिया गया हो और दूसरे का नया स्थान आपको पता करना हो, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? पहले व्यक्ति के स्थान में जितने अंकों की बढ़ोतरी या घटोतरी होती है या घटता है, तो उतने ही अंक आपको दूसरे व्यक्ति के लिए बढ़ाने या घटाने पड़ेंगे। क्लियर?
तो ये था आपका जब दोनों अपना स्थान परिवर्तित करके जगह बदल लें तो टोटल व्यक्ति कैसे निकालेंगे और दूसरे का नया स्थान कैसे निकालेंगे। अब फाइंड आउट करते हैं दोस्तों मध्य में व्यक्ति, क्या मध्य में व्यक्ति, नया जो टाइप है इसका टाइप नंबर थर्ड वह है मध्य में व्यक्ति निकालना। मध्य में कितने व्यक्ति हैं या मध्य में इतने व्यक्ति बैठे हैं, यानी मिड पॉइंट या मिड प्लेस पर कितने व्यक्ति हैं या कैसे निकाले जाएंगे, उससे रिलेटेड सारे जितने भी टाइप हमारे पास इसमें बनते हैं वो अपन कवर करने वाले हैं इसमें। तो इसको कवर करने के लिए शुरुआत अपन क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं कि मध्य में कैसे निकालेंगे। देखिएगा क्वेश्चन है, यदि पंक्ति में सुरेश का बाएं से स्थान 20वां, यदि पंक्ति में सुरेश का बाएं से स्थान 20वां तथा चेतन का दाएं से स्थान 30वां है, यदि पंक्ति में यदि पंक्ति में मध्य में कुल व्यक्तियों के एक तिहाई व्यक्ति बैठे हैं तो, मध्य में कुल व्यक्तियों के एक तिहाई व्यक्ति बैठे हैं तो बताओ मध्य में कितने व्यक्ति हैं। क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है कि मध्य में कितने व्यक्ति हैं। देखिएगा और दो अलग अलग व्यक्ति हैं और मध्य में कितने हैं, एक तिहाई हैं। जब भी आपसे दो अलग अलग व्यक्ति या मध्य में व्यक्ति दे दे तो इसमें टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य में व्यक्ति, ये इसका तरीका होता है इसको करने का। टोटल कैसे निकलेगा, लेफ्ट का जोड़ दो राइट का जोड़ दो और मिड में जितने व्यक्ति बैठे हैं उसको प्लस, आप निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। पाया था सेम पंक्ति के अंदर सेम व्यक्ति का अगर दोनों तरफ से जगह मालूम हो तो टोटल व्यक्ति कैसे निकाले जाते हैं, इसका तरीका मैंने आपको सिखाया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन होता है। उसके बाद मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं जिनमें से दोनों का लेफ्ट और राइट से आपको जगह मालूम है और उसके अंदर मध्य में व्यक्ति भी अगर आपको दिए गए हों तो टोटल कैसे निकालेंगे आप उस पंक्ति के अंदर, टोटल निकालेंगे आप टोटल टी इक्वल्स टू
लेफ्ट से प्लस राइट से प्लस मध्य में व्यक्ति आप निकाल लेंगे, क्लियर। इसी को अप्लाई करते हैं। बट आपको क्या टोटल व्यक्ति मालूम है क्या इसमें? नहीं। और पूछा क्या गया है आपसे? आपसे पूछा गया है मध्य में व्यक्ति। क्या पूछा गया है? मध्य में व्यक्ति। निकालेंगे कैसे? देखो इधर देखो, माना कुल मान लो x है। जनरली अपन क्या मानते हैं? x ही मानते हैं, इसलिए मैंने x ही माना है। जरूर नहीं है आप x ही माने, आप कुछ भी मान सकते हैं। आप p q r s कुछ भी माने, जो मानेंगे उससे आंसर निकल जाएगा, क्लियर। मैं x मान के कर रहा हूँ। टोटल कितना है x? लेफ्ट से कितना है इसका? 20वां। राइट से कितना है इसका? 30वां। प्लस मध्य में कितने हैं? टोटल का एक तिहाई। टोटल है एक्स, इसका एक तिहाई कितना हो जाएगा? एक्स बाई थ्री। ये कहाँ है? मध्य में है, एक्स बाई थ्री, क्लियर। अब इक्वेशन बन गई है, सोल्व कर लेंगे इसको। एक्स माइनस एक्स बाई थ्री इक्वल्स टू 50। तो ये आ गया 2x बाई 50। 2 से कट जाएगा 50, 25 टाइम्स। x की वैल्यू कितनी आएगी? 75। x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 75 इसकी वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद आगे देखते हैं, मध्य में व्यक्ति आपसे पूछा गया था, तो मध्य में व्यक्ति जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? x बाई थ्री। और x की वैल्यू कितनी है? 75। 75 बटे 3 इक्वल्स टू 25। यानी कि मध्य में कितने व्यक्ति बैठेंगे? उसमें 25 व्यक्ति बैठेंगे दोस्तों। दोस्तों आज लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, लाइट की कमी होने की वजह से आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, वरना क्लास में फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का आगे, ठीक है। तो क्लास को यहीं तक रखते हैं आज, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्या देने वाला हूँ, अगर आपने अभी तक मेरी दोनों या तीनों क्लासेस कैलेंडर की नहीं देखी है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर डीजे सर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐप पर पढ़ने वाले मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? टेस्ट 1 सब्सक्राइब करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा? डीजे सर क्लासेस ऐप पर जाना होगा, वहाँ पर स्टोर पर जाकर आप टेस्ट 1 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इसकी जो वैलिडिटी है पूरे एक साल भर के लिए है, और ये मात्र आपको 99 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं या मेरे से नए नए टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव अ नाइस डे।